जो शख्स साहिब माल हो, पैसों से नहीं सोने और चांदी से, उसके पास रोकड़ा पैसा नहीं है मगर सोना चांदी इतना है कि वो साहिब माल हैं, उस पर हज फर्ज है कि नहीं, और इतनी तादाद में सोना चांदी हो कि वो आने जाने का खर्च हो सके, तो क्या बेच कर जा सकता है या जाना पड़ेगा? सोना और चांदी, तो देखिए, एक तो क्या हज का फ़र्ज होना, तो हज के फ़र्ज होने के लिए कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व ताला ने ये बताया है कि हज हर मुसलमान पर करना फ़र्ज और ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिसके पास इस्तेताअत हो। इस्तेताअत होने का मतलब क्या है कि यहाँ से जाने का और आने का जितना ख़र्चा हो, उतना ख़र्चा अगर किसी के पास मौजूद है और वो जो रुपया है वो जायद है। अब रुपया है या सोना है चांदी है, वो सोना चांदी उसके पास जायद है, उसके हाजत असलिया में नहीं है, यानी उसके अलावा गुजारे के लिए उसके पास दूसरी चीज़ें मौजूद है, और ये सोना चांदी ऐसे ही रखे हुए हैं, और इन सोना और चांदी की इतनी कीमत है कि वो हज के लिए जाएगा और वापस आएगा, जितना खर्चा होगा वो पूरा खर्चा उस कीमत के जरिया निकल जाएगा। अगर इतना सोना और चांदी के और वो जायद के, तो ऐसी सूरत में अब उसको बेच करके हज अदा करना उस पर लाजिम और ज़रूरी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान।